से है कि इससे उनकी जिंदगी में बिल्कुल बहुत बड़ा बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, एक बदलाव आएगा और वो बहुत बेहतर जिंदगी गुजार पाएंगे जो आज नहीं गुजार पा रहे। आज वहाँ अच्छी जिंदगी कौन गुजार पा रहा है? जो वो सारे नेता जो आज नजर बंद है इसलिए कि वो मिसलीड कर रहे थे, लोगों को बहका रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इसका महत्व एक दृष्टि से है, वो ये है कि पहले 87 सदस्यों की विधानसभा थी जिसमें 4 सदस्य लद्दाख के, वो लद्दाख अलग हो गया, अब 83 सदस्यों की विधानसभा रह गई है। 83 सदस्यों की विधानसभा में घाटी का हिस्सा जम्मू के हिस्से से ज्यादा है, तो ये एक असंतुलन है घाटी और जम्मू के बीच। इसके लिए मुझे लगता है कि एक परिसीमन की प्रक्रिया वहां पर शुरू हुई, थोड़ा बहुत समय उसमें लग सकता है लेकिन परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके लिए भी मैंने उनको वोट दिया था जो तक पूरा हुआ है, तो इसलिए करके वोट दिया था लोगों ने। आपके हिसाब से 300 हटते हैं या 35 हटते थे, आप गुजराती क्या सोचते? मैं गुजराती के हिसाब से ये सोच रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर का जैसी तरह गुजरात का विकास हुआ है, अन्य राज्यों का विकास है, उस तरह से जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा। और ये मोदी सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं मणिनगर की तरफ से। ये वही इलाका है जहाँ पे एक समय पर प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री यहीं से चुनाव लड़ते थे और जिस तरीके से